अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आज मैं मौजूद हूँ अपने घर के करीब चौरंगी के पास। यहाँ पे 14 अगस्त की माशाल्लाह से बहुत बड़ी ज़्यादा प्रिपरेशन होती हैं। यहाँ पे दूर दूर तक यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। अभी तो लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन की वजह से पूरा सब बंद पड़ा हुआ था, लेकिन अभी लॉकडाउन खुला है तो अभी थोड़े से बच्चों की शॉपिंग वॉपिंग हो रही है। तो यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर आए हैं शॉपिंग कराने के लिए। और क्या कहते हैं, यहाँ पे बच्चे ने भी लगाई हुई है, लेकिन उसको उतना कुछ पता नहीं है। उसका भाई होता है, भाई गया हुआ है, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ पे उसने छोटा सा ठेला लगाया हुआ है, फिर उसके दिखाऊंगा उसकी दूसरी तरफ पूरी लाइन से शॉप्स बनी हुई है। वहाँ पे लोग वहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन बेयर विद मी। ये तुम्हारी दुकान नहीं है और तुम्हारे साथ कोई नहीं है? हमारा बड़ा भाई गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है? कब आएगा? अच्छा, ये तुमने, तुम्हारे भाई ने लगाया भाई ये? अच्छा बताओ मुझे कौन सी चीज़ कितने की है? ये 30 की है। अच्छा, ये 70 की है। हाँ, ये 40 की है। हाँ, ये 50 की है। हाँ, ये 30 की है। हाँ, ये 70 की है। ये 50 की है। हाँ, 30 की है। ये बताओ ये बाजे कितने के हैं? ये सबने जीना आराम किया है इस बाजों से? ये 250 भी में, 80 भी में। तो लोग तुम्हें आके बोलते नहीं ये क्यों बेच रहे हो? लोगों को तंग किया है इस बाजों ने? बजाते रहते लोगों को, तंग करते हैं। हाँ, तंग करते हैं लोगों को ये बाजे। कितने का है ये? 220 का। छोटा छोटा नहीं है? अच्छा, इसमें इसमें छोटे भी, छोटे भी हैं ये, उसमें ही बड़े भी हैं। ये देख लें, इस बच्चे ने यहाँ पे ठेला लगाया हुआ अलग से, शायद इसको जगह नहीं मिलती होगी। और दूसरा ये देखें उस तरफ, ये पूरा वहाँ तक स्टॉल लगा हुआ है कोने तक। अभी वहाँ पे भी चल के आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखें ये बाजे अलग मिलने का, कसम से जीना आराम किया हुआ है। मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी लूँ छोटा सा, ताकि हम भी तंग करें लोगों को। ये देखें, अच्छा मुहर्रम की रिस्पेक्ट में अगर मेरे किसी सिनेमैटिक में स्लो मोशन में बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो तो माइंड नहीं करिएगा, मुहर्रम का रिस्पेक्ट करें। शिया सुन्नी वाली चीज़ नहीं है ये, लेकिन मुहर्रम का रिस्पेक्ट करें। यहाँ से स्टॉल लगे हुए, ड्रेसेस भी हैं यहाँ पे, बैचेस भी हैं, और वो प्यारे से खूबसूरत से बाजे भी हैं। दूर दूर तक स्टॉल लगे हुए। पूरे देखे वहाँ तक लगे हुए। ज़्यादा रेट्स में भी डिफरेंस होगा, कोई कुछ कम का दे रहा होगा, कोई कुछ ज़्यादा का दे रहा होगा। पूरा यहाँ तक लगे हुए स्टॉल। पाकिस्तान देखे, यहाँ पे अलग अलग झंडे लगे हुए हैं यहाँ पे, और पूरा वहाँ तक जा रहा है। और ये सिंधी बेच रहे हैं यहाँ पे, और ये चूड़ियाँ भी मिल रही हैं बच्चियों की, और ये झंडे भी हैं। ये देखें यहाँ पे आके, बल्कि ये वहाँ तक जा रहा है, मतलब ये एंड नहीं हो रहा, मतलब वहाँ तक जा रहा है। मैं पूरा तो मैं वीडियो में नहीं ले सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पूरा वो देखिए वहाँ तक जा रहा है, ये है पूरा यहाँ पर। और ये हर साल लगता है, पिछले साल इसलिए नहीं हुआ था कि क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन की वजह से सब बंद पड़ा हुआ था, लेकिन इस बार लॉकडाउन खुल गया तो लोग ज़ोरों शोर से शॉपिंग कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, बच्चों को भी दिला रहे हैं, खुद भी ले रहे हैं, हम भी लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा घूम लें फिर। मुझे इतना अजीब सा लग रहा है व्लॉग बनाते हुए, बाहर मैं इतना बनाता नहीं, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, लोग ऐसे देखते हैं ना, बहुत अजीब सा लग रहा है। ये आपके, आपका स्टॉल है ये? अच्छा, मुझे ये बाजों को बताएं, ये लोगों को इतना तंग किया हुआ इन बाजों ने, क्या करें इसका? हाँ, हम भी करते, हम भी कम नहीं है, हम भी बजाते, हम भी कम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वीडियो के लिए करना पड़ता है। आप
अच्छा जी, खुद बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं? हाथ से बना, खुद हमारी डिजाइनिंग है। अच्छा, क्या रेट चल रहे? तीस रुपए का। अलग 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 साइजेस की होती है? और बैच वगैरह पता ही, सब कैचर वगैरह पहनने वाला है बच्चों के, ये 30 रुपए के, ये लेडीज का कैचर है, ये 30 रुपए के। यार कलर देखे, कलर कैसे लश आ रहे हैं वीडियो के अंदर, हरा और वाइट सफेद। भाई ये देख लेंगे स्टॉल, ये अब लोकेशन अपनी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मैं पावर हाउस पे खड़ा हुआ हूँ, पावर हाउस चौरंगी पे, हमारे लाइन से माशाल्लाह से हर साल लगता है। लोग वाटर पम्प का बताते, लेकिन हमारा पावर हाउस भी कम नहीं है, यहाँ पर लोग दूर दूर तक लगाते हैं, देख ले। हाँ हाँ, यहाँ से पिछले साल भी मेरे ख्याल से लगा था, लेकिन इतना ही लगा था लॉकडाउन की वजह से। हाँ, बारह डब्ल्यू रपल का भी यहाँ पे होता है। हाँ हाँ, ये चैनल के लिए बना रहा हूँ अपने। अच्छा, यहाँ पे वैरायटी ज्यादा है, बाजू की भी वैरायटीज बहुत ज्यादा है। ये देखें, ज्वेलरी और झंडे वगैरह। यार कलर ऐसे लश आ रहे हैं ना वीडियो में, ग्रीन कलर अलग से चमकता हुआ दिख रहा है इसके अंदर। ये छोटा बाजा कितने का है? देखा है कितने का है? और वो छोटा वाला, वो वाला दिखा है, ये देखें, ये छोटा सा बाजा, लेकिन ये बचता भी ऐसा होगा ना। हम ये वाला पाछा ले, ये वाला पाछा ले रहा हूँ। और झंडे के रेट क्या है? 60 रुपए ले ले अंकल। सबसे छोटा कितने का है? 60 रुपए। और सबसे बड़ा? 1000 रुपए का। और दरमियाना? अभी हम दरमियाना झंडा लेंगे, क्योंकि फ्लैट में हवा इतनी चलती है तो वो हवा से उड़ जाता है, तो हम दूसरा भी झंडा लेते हैं यहाँ से। तो भाई झंडा ले आए हम, बहुत अजीब सा लगा था वीडियो बनाते हुए, लेकिन बना ली, कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा और। अच्छा, अभी झंडा ले आए हैं, झंडा यहाँ पे लगाते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो भाई झंडा लग गया है हमारा पूरा, इसको जो है बिल्कुल रस्सी थी नहीं मेरे, तो मैंने इसको तार से बांध दिया। अभी अल्लाह करे ना निकले, क्योंकि माशाल्लाह से हवा में बरकत बहुत है हमारे यहाँ, तो उड़ जाता है। पहले पिछला झंडा भी मेरे ख्याल से हमारा उड़ गया था, खाई तो मैंने लगा दिया है। बाकी ये कि
वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ फैडी व्लॉग्स, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो इट्स फैडी अली नाम है मेरा इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिएगा ताकि वहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह अप टू डेट रह सके मेरी लाइफ से। बाकी ये एंड करता हूँ आज का ब्लॉग, और उम्मीद है लास्ट ब्लॉग भी आप लोग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। एंड टिल देन टेक केयर।